Mr. Ford to mesmerize the audience with her beautiful voice. Please, Geeta, come on the stage. मलाई को निकाल के फेंक दिया जाता है, पुत्रों यूनिवर्स में उसी शंटूना कट्टू है पूरा। आने वाले टाइम में रंदा फिरेगा रंदा। मैं पुत्री आख्या तू बिहार नस बिहार इतने नौकरी ढूंढिए तुसी उत्थे टायर पंचर है काम करो 35 रुपए कार आनो इतने कख नहीं सोना इतने बड़े बड़े भूत होने 12 बड़े बड़े भूत होने उन्हें तुसी अंग्रेजी में आखना गेट आउट तुसा ना थैंक यू सर। पुत्रों मैं आपकी है जिले बड़ा कुत्ता भौंकदा होए ना चुप करने से चुप
ओ चांदे बंडी भी सकती है पर सर जी अच्छी चेता रखनी जेकर कटूरियां टक ला छड़िया ना तो टीके बड़े भैड़े लगते फिर करो मुझे मेरे पैसे वापस दो मुझे फिर करो 7 इंच लंबी चली 7 इंच लंबी वाह चिट्टा सिंह वाह चिट्टा सिंह तेरा नेक्स्ट टेस्ट होता है फिजिक्स का ये फिजिकल टेस्ट ओए फिजिकल टेस्ट पीएचई होता है वो सिर्फ मैं लेना फिजिक्स का टेस्ट है मैंने अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी आधी उम्र 21 साल मैंने इसी इंडस्ट्री को दिया है और प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूं और बड़ी डांट खा के फिर इस फील्ड में आया हूं स्पोर्ट्समैन रहा हूं नेशनल मेडलिस्ट रहा हूं मार्शल आर्ट्स किक बॉक्सिंग में वुशु में दिल्ली में मॉडलिंग के दौरान थिएटर किया थे पापीदा मेरे उस्ताद रहे हैं दिल्ली हैप्पी थिएटर्स देखे दिन उनका जिक्र आया उसके बाद मेरे उस्ताद रहे हैं अंकिया रैना सर तो उन्होंने उन्हीं की बदौलत ये सफ़र जारी रहा कहीं काफ़ी टाइम में ऐसे क्योंकि एक जर्नी ऐसी होती है जब मेरा भी ऐसा रहा कि वन चिप्स आर डाउन लाइक यू नो वन अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में तो कई बार ये सोचा कि शायद गलती जॉब करनी चाहिए थी नहीं सच है क्योंकि हमारे रिश्तेदार पूछा करते थे घर पे कि आपका बच्चा दिल्ली में करता क्या है तो जवाब आता था मॉडलिंग करता है थिएटर करता है तो अगला सवाल आता था तो काम क्या करता तो ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट था कि इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन मतलब लिया नहीं जाता था अभी भी देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर हमें बाहर नहीं बुलाते बट ये है कि एक बार ही एक आर्टिस्ट का जो ये जो पैशन जो जुनून जो मैंने थिएटर ज्वाइन किया मॉडलिंग तक तो ठीक था मैंने कहा ठीक है बॉडी बॉडी है सिक्स पैक है मॉडलिंग करके निकल जाएंगे लेकिन जब थिएटर ज्वाइन किया तो उसने पूरी पर्सनैलिटी चेंज की आप जो भी करो मेरे उस्ताद अंकिय रैना साहब का एक डायलॉग है लक्ष्य फिल्म में जो ऋतिक रोशन को बोलता है कि अगर तुम घास भी काटते हो तो अच्छी घास काटो जो भी काम करो अच्छे से करो ईमानदारी से करो और हो ही नहीं सकता कि उसमें आप सक्सेसफुल सफल नहीं होंगे थैंक यू गाइस सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज आज की जो वीडियो थी मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई तो आज जो है वो टीचर्स डे है जो कि हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है पहले तो सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे वर्ल्ड के टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे विश करती हूँ उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगी कि मुझे अप्रिसिएशन अवार्ड वगैरह मिला आज के दिन डीसी ऑफिस में तो मैं उधर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई उधर थिएटर भी था थिएटर का फंक्शन वगैरह चल रहा था मतलब कि बहुत मस्त थिएटर हुआ फिर से कान पकड़ के सॉरी तो कोशिश करूँगी अगला व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो प्लीज़ जैसे बाकी वीडियोस को आपने लाइक शेयर वैसे ही प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना गाइस प्लीज़ 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 थैंक यू सो मच गाइस आप लोग मेरे को इतना सारा प्यार देते हो लिटरली आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और आप लोग जो मेरी फैमिली हो तो मैं कोशिश करूँगी कि मतलब कि रोज़ नहीं मैं बोल सकती मंथली वीकली
जब भी मतलब कि मैं वीडियो लाऊं वो हमेशा मस्त होगी, अमेजिंग होगी, और आप सारे जो मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहोगे। तो गाइस आज की वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।